निकालो। प्रदीति जी आप सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फिल्म अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है तो क्या फील करते हैं आप लोगों की? हम अभी बात कर रहे थे ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है और जिस तरह के गाने हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है तो कुछ प्रेशर फील करते हैं या कुछ नर्वस फील कि कुछ टाइम के बाद फिल्म आ रही है तो? नहीं नर्वस तो फील नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक मेरे हिसाब से कि ट्रेलर अप्रिशिएट हुआ है और जैसे आप बोल रहे हो गाने भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को तो बस यही उम्मीद है कि पिक्चर भी सबको वैसे ही पसंद आए। मेहनत बहुत की है और यही कोशिश है कि हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई। ये एक कमर्शियल पिक्चर है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनर है विद अ मैसेज है। ये आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे एक क्वेश्चन में, पर मैं पहले पार्ट का बताऊंगी कि मैंने बोला फन है क्योंकि जो रिलेशनशिप है एक फादर डॉटर की एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ऐसा फादर्स हमेशा अपने डॉटर्स को चिढ़ाते हैं पर और डॉटर्स हमेशा अपने फादर्स मतलब दे रैप देयर फादर अराउंड देयर फिंगर, करेक्ट संजू सर? सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप ऑलवेज और एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, एक टाइमलेस बॉन्ड है, एक जो एक जो एक पिता का अपने डॉटर की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। तो दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट एंड देन जो व्हाट दे गो थ्रू एंड क्या होता है एक हादसा होता है उनके साथ एंड हाउ दे ओवरकम दैट बिकॉज ऑफ देयर लव एंड द वे दे स्टैंड बाई इच अदर, तो फिल्म उसकी कहानी है। तो देयर वॉज फन ऑल्सो, हमारे जो सीन्स हैं संजू सर मेरे इज़ वेरी इंडियरिंग एंड मुझे ऐसे बहुत रियल लगा उनके साथ काम करके क्योंकि एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू रिलेशनशिप और केमिस्ट्री है बिटवीन द फादर एंड द डॉटर, सो दैट दैट पार्ट वॉज फन। ऑफकोर्स द स्टोरी इज इंटेंस। मैं एक्चुअली द वे दैट जैसे मुझे बड़ा किया गया है आई हैव द मोस्ट अमेजिंग फैमिली एंड द मोस्ट अमेजिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम, पर इट इज़ ट्रू कि एक जो लड़की होती है वो हमेशा अपने फैमिली को नर्चर करती है चाहे वो इवन आफ्टर शी गेट्स मैरिड एंड गोज़ टू अनदर हाउस हर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हर एंड शी इज़ विथ हर फैमिली टिल द वेरी लास्ट सेकेंड, एनी थिंग दैट द फैमिली मे नीड द डॉटर विल बी देयर। बट इज़ इट ऑलवेज द केस कि एक फैमिली अपने बेटी के तरफ सेम डू दे स्टैंड बाय देयर डॉटर्स? आई डोंट नो, आई होप दे डू बिकॉज फिर एक लड़की को कभी ये सवाल दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। इट शुड बी लाइक दैट कि उसका घर जहाँ भी वो रहे उसका घर वहीं होना चाहिए एंड इवन द होम दैट शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड शुड बी अ होम फॉर एवर। शी कांट बी अ होमलेस पर्सन कि ना यहाँ ना वहाँ, इधर इट्स द फादर्स नेम और द इन लॉज नेम, ऐसे नहीं होता। शी इज़ अ पर्सन इन हर सेल्फ एंड शी शुड फील लाइक दैट ऑल्सो। और भूमि द रीज़न कि मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड आई थिंक इट विल रेजोनेट विद एवरी गर्ल इन दिस कंट्री इज़ बिकॉज भूमि के जो बाबा हैं ही स्टैंड्स बाय हर डॉटर लाइक दैट, ही एम्पावर्स हर। वो एक बहुत फ्री स्पिरिटेड लड़की है, वो प्यार से पली बड़ी है, रिस्पेक्ट से पली बड़ी है, विच इज़ वाई शी इज़ द वे शी इज़ एंड शी हैज़ द करेज विथ हर फादर टू टेक ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस एंड वी शुड मेक आ गर्ल्स बी दो लाइक दैट ऑलवेज। See, I'll tell you one thing, every film is compared to every other film in the world, right from the beginning when the film started. Okay, so there the topic may be the same, but the treatment is different, the scenes are different. A father and daughter's bonding is a very, very special bonding. A mother and son bonding is a very special bonding. But a father and daughter bonding is something else. And this film has its own feel, has its own content, has its own support system and has its own
love story between the daughter and the father. किसका जवाब दूं मैं? सर सबसे पहले तो आदिति के फादर प्ले कर रहे हैं आप इस फिल्म में और रियल लाइफ में भी आप फादर हैं, तो आदिति और आपकी बेटी में क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं आप, और शूटिंग के दौरान मतलब ऐसा कोई पल था जब आप? वो मेरे में सिमिलैरिटीज तो मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची 6 साल की, आदिति 6 साल की है क्या? लेकिन नहीं, हम लोग ने कभी उसमें कभी मैंने कंपेयर नहीं किया है। मैं अरुण सचदेवा और ये मेरी बेटी भूमि थी, और जिस हिसाब से मुझे उस वक्त फील हुआ मैंने वैसे ही परफॉर्म किया। बाबा, ऑन लोकेशन के दौरान हमने देखा कि अदिति कहती है कि आइए मैं आपके बाल को डाई कर देती हूँ, आइए मैं आपके बाल पर गेम डाई। जब इस तरह से एक रियल लाइफ में या इस तरह से कोई कहता है कि मैं आपके बाल डाई कर देती हूँ, तो क्या फील करते हैं आप इस तरह की? तो डाई करना कौन सी बुरी बात है? एक बेटी और डैडी का रिलेशन है। हाँ, तो मतलब कि छोटे शहरों में ऐसा ही होता है। और मुझे याद है जब मैं जेल में था तो वहाँ डाई नहीं मिला, वो दूसरा मिलता था गोदरेज का, तो ऐसा लगता था कि मैंने वो डांबर लगा दिया दाढ़ी में। तो फिर मैंने वो लगाना बंद कर दिया, बोला कि कोई डांबर नहीं लगना चाहिए, तो वैसे ही कर दिया। तो एक छोटे शहरों में ऐसा ही होता है, अगर कहीं बाल पे मैं एक पति नहीं लगा तो उसकी पत्नी लगा देती है या उसकी बच्ची लगा देती है, तो ये छोटे शहर की कहानी है। बाबा, ये बीइंग अ वेरी टॉपिकल फिल्म कंसीडरिंग टुडेस टाइम्स, डू यू एंड यू हैव बीन लिविंग टू डिफरेंट एरास, डू यू थिंक सर टुडे द कंट्री इज मोर अनसेफ फॉर वुमेन कंपेयर टू व्हेन यू वर यंगर? Yeah, it is unsafe for women, it's unsafe for children. Look at what happened yesterday in the school in Gurgaon. I think it's shameful. It's shameful for something like that to take place in a school with a 7-year-old kid, a child. I mean, you keep reading about these rapes and molestations. I mean, I don't think it's the right thing. I mean, I think people should be educated enough because I believe in women empowerment. I believe in Beti bachao, beti padhao. I believe in save the girl child. I believe in non-violence against women. Jab chote se leke bade tak, main hamesha striyon ke saath pala hoon. Chahe meri maa ho, ya meri behne ho, ya meri biwi ho, ya bachiyan ho. To, I mean, I think we should take a step forward and these kind of things should be condemned. And a fast track of a justice system should take place. अभी इसको जो जिसने अभी ये बच्चे को मारा है उसको आप केस चलाओगे, फिर वो बड़े कोर्ट में जाएगा, उससे बड़े कोर्ट में जाएगा, क्यों भाई? दैट्स ब्रूटैलिटी। सो आई मीन आई थिंक वी हैव टू लुक इनटू आई डोंट नो अबाउट द पास्ट 3-4 ईयर्स, बट आई रिमेंबर के जब मेरा बचपना था तो ऐसा कुछ हम लोग सुनते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं ये कुछ अभी क्या हो गया, पता नहीं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट आई मीन जस्ट इट्स सैड दैट आई मीन पीपल आर गेटिंग मर्डर्ड लाइक दैट, एंड पीपल हु मैटर, पीपल हु आर जर्नलिस्ट्स, एंड यू नो पीपल, आई मीन आई जस्ट फील सैड अबाउट इट, यू नो, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट I think that today in our country, any voice of dissent is not, you know, taken very well. And that is a problem. But that is so even with girls, like this whole thing of consent, a voice of dissent, anything that is anti-establishment, all that is looked at as a problem, and these kind of extreme measures are taken. So that is a very, very big issue. Okay, Baba, apart from this, you're coming back to this movie, Bhumi. Koi khas shakshiyat industry ke, there are so many close friend of yours. Feedback, which includes the Bachchan,
प्रोड्यूसर मैं क्या बोलूँ यार, वो तो प्रोड्यूसर आई वुड लव इट बच्चन साहब और राजकुमार का बोथ. Why do we have to choose? क्या फीडबैक मिला क्योंकि हमने देखा ट्रेलर सभी को पसंद आ रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री से जो दोस्त हैं उनका क्या फीडबैक मिला आपको अगर कुछ ऐसा रिएक्शन अगर आप बताना चाहें हमें. पता है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज आई फील लाइक व्हेन पीपल कॉल यू एंड टेल यू समथिंग देन इट्स यू नो इट्स समथिंग पर्सनल दैट दे आर इनकरेजिंग यू कि वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं वो आपको यू नो आपको इनकरेज कर रहे हैं तो पर yes there have been calls from people I least expected calls from because I don't know them so well but unhone mera number dhoond ke mujhe call kiya aur a lot of them are very very close to Sanju sir and they told me about it also ki how close they are to Sanju sir is like family to them so I feel really lucky ki mujhe ye opportunity mili to be a part of Bhoomi to have the opportunity to work with Sanju sir and that too in a father daughter story क्योंकि इट जस्ट मेक्स इट एवरीथिंग मोर एंड मोर स्पेशल सो द फीडबैक हैज़ बीन अमेजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री जस्ट फ्रॉम पीपल ऑन ट्विटर इंस्टाग्राम फैंस राइटिंग इन सो इट्स बीन रियली अमेजिंग वेरी वेरी अमेजिंग इवन फ्रॉम द साउथ आई हैव गॉटन मैसेजेस सो इट्स रियली बीन वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग I mean, I just told this gentleman out here, I said like, see, every movie is compared to every movie since the time movie industry started. ठीक है वही माँ है वही पिता है वही विलन है और वही हीरोइन है वही गाने हैं तो वो सब आप शुरू से लेके अभी तक देख सकते हो लेकिन उस पिक्चर की ट्रीटमेंट कैसे होगी उसमें सीन्स कैसे होंगे उसमें क्या लाइट पोर्शन होगा वो सब बहुत डिफरेंट हो जाता है समझे तो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. Can I please first say that the biggest hero is a father? For a girl, the biggest hero is the father. मैं बोलूँ correct thanks for this. But in general, those larger than the baby, you may get typecast. Did you ever think you make a typecast in daddy father roles? See, I'll tell you one thing. I'm playing a character of a father. I'm playing a character of Arun Sajdeva. I played Hrithik's father in Mission Kashmir, which is about 12 years ago. So I'm playing a character that time. My mother played Mother India when she was 26 years old. तो उसके बाद क्या उसको माँ का रोल मिला था श्री 420 में नहीं ना तो फिर वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड दैट्स हाउ वी पोर्ट्रेट मे बी द नेक्स्ट मूवी विद हर आई मे बी हर किडनैपर इसको किडनैप करके ले जाऊँ यू नेवर नो यू नो I think you're wrong about that. I mean, there are many characters which have been offered to me which are larger than life and they are heroes and they are tough, my age kind of guys. Like you see Liam Neeson or you'll see Mel Gibson, Denzel Washington. I mean, these are roles I'm being offered today, which is very good, you know. The tough middle-aged guy, you know. So, ऐसी बात नहीं है. Plus, अभी Spider-Man का बाप का भी role मुझे मिलने वाला है. भैया जो मुझे पता चला है जो मेरी बातें हुई हैं राजू से या विनोद जी से कि मुन्ना भाई का स्क्रिप्टिंग शुरू है और अभिजात स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उस पर और जैसे इसकी शूटिंग ख़त्म होगी बायोपिक की वो राजू जी उस स्क्रिप्ट पे बैठना शुरू करेंगे एंड
देखिए, अगर आप सबकी प्रार्थना अगर भगवान ने सुन ली तो अगले साल तक पिक्चर शुरू होगी। बाबा कुछ टाइम पहले एक टीजर आई थी कुछ साल पहले, मुन्ना। हाँ जी जी जी, उसी लाइंस पे नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे को अमेरिकन वीज़ा नहीं मिलता है, तो चले अमेरिकन अमेरिका कैंसिल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I'm very happy. Progress, you got to ask Raju ji and unse puche progress kya. Being a father, I have two daughters. I love them. Are you worried, like, in the current scenario and things that those are happening? Plus, your movie deals with a very important message that having a girl child, does it worry you? It will worry any family, you know. It will worry any family. I think they should be a tough stand taken against them. Thank you.